हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब मेरे लिए तो इंटरेस्टिंग ही है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो वर्स्ट रूमर्स जो BTS के बारे में अभी तक आए हैं, या फिर सबसे ज़्यादा वर्ड जो मुझे लगे जो या फिर बहुत अजीब से रूमर्स थे, तो आज इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो। तो वैसे भी सारे आधे से ज़्यादा रूमर्स तो डेटिंग के ऊपर ही हैं, और मतलब बहुत सारे हैं, बहुत अजीब अजीब भी हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं थोड़े वर्स रूमर्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहला जो मुझे सबसे गंदा रूमर लगा वो 2014 का जंगकुक का रूमर था। तो मैं थोड़ा याद दिला दूँ 2014 में क्या हुआ था। EXO-L's और आर्मीज के बीच में लड़ाई हो रही थी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि EXO-L's ऐसा मतलब बोल रहे थे कि जो BTS है उन्होंने EXO कॉन्सेप्ट चोरी करा है, ऐसा वो बोल रहे थे। ठीक है, तो आर्मीज में मतलब बहुत उस समय लड़ाई वगैरह होती थी। तो एक बार क्या हुआ था, जंगकुक ने जो था BTS के साथ एक मतलब फेज मतलब वर्ड्स यूज कर रहे थे दो, वो था लेट्स लव। और EXO-L's को मतलब ये मतलब उनको इंसल्ट जैसा लगा, क्योंकि EXO का जो मोटो था वो लेट्स लव था, मतलब बहुत ही सेंसलेस सा है कि मतलब उन्हें लगा कि मतलब BTS इंसल्ट जैसा है कि जंगकुक ने ये BTS के साथ यूज़ करा है, ये इंसल्ट है। तो EXO-L's को बहुत गुस्सा आ गया, उनको लग गया कि ये इंसल्ट है, ये हमारा एक तो चीट कर रहे हैं फिर ये कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बदला लेने के लिए रिवेंज मतलब इस टाइप का ही कुछ उस टाइम पे हुआ था, तब से तो मैं आर्मी नहीं हूँ लेकिन जितना मैंने पढ़ा उस पर, उन लोगों ने सब आधे से ज़्यादा लोग को तो पता ही होगा कि क्या हुआ था, लेकिन जिन्हें नहीं पता है तुम गैस करके देखो, कभी गैस नहीं कर पाओगे कि क्या हुआ था। उन लोगों ने जंगकुक का फर्नल बना दिया था, उन लोगों ने जंगकुक की एक फ़ोटो ली थी और उसे फर्नल की तरह रिप्रेजेंट कर दिया था, यही हुआ था। मुझे भी मतलब जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत डिस्गस्ट हो गई थी कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। तो ये सब के सब के फैंडम्स के बीच में हुआ था उस समय, इंटरनेशनली ऐसा कुछ मतलब पता था ऑफकोर्स, लेकिन ये कोरिया के अंदर हुआ था। ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने फॉर्नल बना दिया था, उसके बाद आर्मीज को बहुत गुस्सा आ गया, ऑफकोर्स आएगा कि किसी की डेथ को तुम मजाक बना रहे हो। आर्मीज ने मतलब उनको बोल दिया कि ये ज़्यादा ही रूड नहीं हो गया, मतलब ये लिमिट क्रॉस हो गई है ऐसा वैसा करके। तो बाद में मतलब जो समझदार EXO-L's थे उन लोग को भी लगा कि हाँ ये ज़्यादा हो गया, तो उन लोगों ने माफ़ी मांगी। और मतलब ये फैन वार फिर भी चलते रहे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही इनोसेंट फैंडम्स हैं, उन्होंने माफ़ी मांग दी और माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारी आर्मी फिर भी ट्रिगर्ड थी कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। तो अब ये चीज़ें तब ठंडी हुई थी जब उनको पता चला फैंडम्स को कि मतलब EXO और BTS जो है वो आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तब फिर आर्मीज ने उनकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली थी और उनके बीच में सबका सब ठीक हो गया था। तो ये रूमर मुझे मतलब गंदा भी नहीं, वर्ड्स भी नहीं कह सकते इस टाइप का लगा कि ये क्या था, मतलब किसी की डेथ का मजाक बन रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मतलब ये मेरे टॉप में था कि मुझे ये रूमर बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पर अच्छा है कि अब मतलब इस टाइप के रूमर्स नहीं होते इतने गंदे, मतलब अब तो वैसे होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे, लेकिन मतलब ये डेथ वाला जो था ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था BTS के रूमर्स के अंदर। तो अब दूसरा जो रूमर है वो है, सबको पता होगा वैसे ही, जिन का रूमर ऑटम वाला। मुझे ये थोड़ा सेंसोर करना पड़ेगा यूट्यूब के लिए। तो जिनका कॉन्डम वाला रूमर था, ये भी तब की बात है 2013 या 14 की। तब क्या हुआ था, जिन ने एक रिकॉर्ड करा था, लाइव शो था वो, तो मुझे हाँ लाइव शो ही था वो शायद। तो जिन का क्या था, वो ईद जिन कर रहा था मतलब अपना मतलब खाना खा रहा था और रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था। तो उसमें कुछ लोगों ने स्पॉट करा कि पीछे जो है वो मतलब कॉन्डम का पूरा बॉक्स है, ऐसा करके उन लोगों ने स्पॉट करा कि वो बॉक्स है। फिर मतलब बहुत सारे लोगों ने जब थोड़ा डिटेली देखा तो उनको मतलब सच में वो मतलब उनको लगा था कि हाँ ये वही है। और तो क्या हो गया, उसके बाद रूमर्स फैलने लग गए कि जिन के पास कॉन्डम। एक तो जिन उस समय मतलब वो था ना मतलब सबसे बड़ा मेंबर भी था, तो उसके ऊपर से वो जो बॉक्स था वो किंग साइज था। हाँ किंग साइज था, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन मतलब किसी को नहीं पता मतलब हाँ कुछ नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो, हमें नहीं पता, लेकिन वो जो बॉक्स था वो किंग साइज का था और बहुत ज्यादा धमाका हो गया था उस टाइम पे। मतलब ये बहुत बड़ा इशू बन गया था कि सब पागल हो गए थे कि जिन के वहाँ पे कॉन्डम मिला है, ये वो है। उन लोगों ने बहुत रूमर्स भी आ गए थे कि जिन वर्जन नहीं है, ये वो है। तो बाद में क्या हुआ, जब ये मामला था बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गया था, तब हाइब ने मतलब बिग हिट ने तब डाला था कि हाँ वो कॉन्डम का ही बॉक्स था, लेकिन वो जिन को किसी फैन ने दिया था फैन मीटिंग में, समझ रहे हो, एक फैन ने जिनको क्वांटम को बॉक्स दे दिया। कैसे कर सकते हैं ऐसा। और मतलब हाँ, तो उससे मतलब उसके बाद भी बहुत क्वेश्चन उठ रहे कि तुम क्वांटम को बॉक्स लेकर मतलब कैसे रख सकते हो तुम। तो मतलब उस समय क्लैरिफिकेशन हो गया था कि जो उन लोगों ने था वो खोल कर नहीं देखा था कुछ भी, मतलब जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते थे वो रख देते थे, और मतलब उन्होंने तब तक कुछ चेक नहीं करा था कि क्या है।
तो मतलब उस समय ऐसे करके हो गया था, तो सोचो जाना कैसा लग रहा होगा उस समय जिम को, वीडियोस को, जब पता चला होगा कि ऐसा हो गया है। तो अजीब अजीब गिफ्ट देते हैं लोग भी, तो क्या कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक रूमर था, तो मुझे थोड़ा फनी सा भी लगा था और थोड़ा सा मुझे डिसगस्ट भी लगा था कि मतलब हाँ, मतलब इसके बारे में मतलब रूमर्स बहुत ही फैल करते हैं जिनके बारे में, क्या क्या फैल रहे होंगे तुम समझ ही रहोगे, वो वर्जन नहीं है, उसने कर रखा है, ये है वो है, मतलब इस टाइप का फैल गया था बहुत सारा। तो ये मेरे सेकंड में आता है कि मतलब थोड़ा मुझे अजीब सा भी लगता है, थोड़ा फनी सा भी है ये रूमर। थर्ड रूमर में आते हैं, थर्ड रूमर भी पुराना रूमर है, ये 2015 का रूमर था। उस समय क्या हुआ था, BTS की जो एक एल्बम थी द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ पार्ट वन, और ये जो उनकी एक पहली एल्बम थी जिसकी बहुत ज़्यादा सेल्स हुई थी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो ये एल्बम थी इसको इसकी 8000 कॉपीज बिक चुकी थी सिर्फ 30 मिनट्स में, और ऐसा पहली बार हुआ था मतलब BTS के साथ। तो क्या हो गया था इसमें, के मीडिया के नेटिजन्स को वो हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनके एल्बम कैसे बिक सकती है, मतलब उस समय वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे ना, तो लोगों के अंदर शक पैदा होने लग गया कि कैसे बिक सकती है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे बिक सकती है, मतलब बिक गई होगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं के नेटिजन्स को, तो तुम लोग को पता ही मतलब कितने क्या क्या नहीं है, वो क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं सोचते। तो उस समय क्या हुआ था, उन लोगों ने वो कर दिया, उसमें उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम लोगों ने चैट मैनिपुलेशन करा है। अब इसका मतलब कि तुम वो लोग मतलब इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो मतलब उन लोगों ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि BTS ने मतलब उनकी कंपनी ने खुद ही एल्बम्स खरीद लिए खुद की, मतलब इस टाइप का ऐसा होता है, मतलब होता क्या है, ऐसा उन लोगों ने बोल दिया कि क्या होगा, ब्रिगेट ने खुद एल्बम खरीद ली है और मतलब फेक करा है, फेक चीटिंग करी है, खुद एल्बम खरीद के बोल दिया है कि हमारी 8000 एल्बम बिक गई है 30 मिनट में, ठीक है। और ये जो इशू था ना, ये ऐसा छोटा मोटा, एक तो BTS उस समय छोटे ग्रुप थे तो वो बहुत ईजी टारगेट बन जाते थे हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो अभी अब और भी ज़्यादा बन गए हैं वैसे, क्योंकि वो बहुत फेमस हो गए, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग उन पर रूमर्स डाल देते हैं। उस समय भी ऐसे होता था, वो थोड़े छोटे थे तो लोग उनके ऊपर रूमर्स डाल देते थे, तो उन लोगों ने रूमर्स डाल दिए कि इन लोगों ने चीटिंग कर रही है। पर ये फिर से ये आला मामला भी बहुत हाथ से बाहर निकल गया था। एक तो उस समय अगर आंसर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कंपनी से आंसर नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे लोग, और ज़्यादा वो करेंगे। तो बाद में हाइब ने एक ऑफिशियल नोटिस डाला था कि उन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करा है, ये सच है। और बाद में मतलब इसकी और गहराई में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला हाँ ऐसा नहीं हुआ था, मतलब ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि इन लोगों ने खुद खरीदा था और ये सच था। तो ये रूमर मुझे क्या ही लगा, बकवास रूमर था, मतलब उन लोगों को ईजी टारगेट बना लिया और मतलब ऐसा कर दिया उनके साथ, तो अब तो वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। तो मतलब ये मेरा थर्ड रूमर जो मुझे था, ये लगा थोड़ा अजीबोगरीब सा था कि मतलब मैनिपुलेशन का उनके ऊपर बेफालतू में इल्ज़ाम डाल दिया था। तो अब आते हैं फोर्थ रूमर की ओर, फोर्थ वाला जो है थोड़ा फ्रेश है, न्यू अब अभी अभी हुआ था कुछ टाइम पहले। तहयुंग का रूमर आया था, वो डेट कर रहे प्रेसिडेंट ऑफ पैराडाइज की डॉटर को। अगर तुम लोग को याद होगा, वैसे ज़्यादातर लोग को पता ही होगा, ये तहयुंग ने उसका व्यूवर्स में आंसर तक दिया था। तो मतलब वो म्यूजियम गए थे घूमने के लिए, और मतलब ऐसे नहीं गए थे, गए तो तहयुंग जब गया था तो उन लोग को उन्होंने उनकी डॉटर के साथ देखा, तो उन लोगों ने रूमर्स बना दिए कि डेटिंग कर रहे हैं। डेटिंग के रूमर्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, सेम कपड़े भी पहन लोगे ना बस तुम्हें कहेंगे डेट कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने लाल पहना, किसी आइडल ने लाल पहना तो बताओ, मैं भी डेट कर रही हूँ उनको। नॉनसेंस क्या ही कह सकते हैं हम। उन लोगों ने मतलब रूमर डाल दिया उसके ऊपर कि वो डेट कर रहे हैं, और ऑफकोर्स सबको पता चल गया कि ये डेट मतलब इसकी रूमर के बारे में। तो फिर हाइप्स ऑफिशियल स्टेटमेंट तक आ गया, मतलब ऑफकोर्स आ गई, वो अपना आइडल्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, तो उनके लिए स्टेटमेंट आ गया कि नहीं डेट कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों एक्वेंटेंसेज है। ऐसे करके मतलब उन लोगों ने कंपनी की तरफ से आ गया था, और तहयुंग ने तक व्यूवर्स में कमेंट करा था, बहुत गुस्से में था वो। सबको याद ही होगा उसने क्या कमेंट करा था, कि मतलब मेरे को सपना है कि मैं उन्हें मार काटूँ। मतलब गुस्से में मुझे बड़ा मज़ा आया था, जब भी मुझे ऐसा कुछ करते हैं ना हेटर्स के लिए, मज़ा आ जाता है बिल्कुल, कि मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, मुझे BTS का हर एक एपल को मुझे लगता है बोलना चाहिए, लेकिन अब क्या ही करें, कंपनीज ही ऐसी होती है। तो मतलब ये रूमर भी ऐसी था एक डेटिंग में से। अब अगला जो है फिफ्थ, इस सुवर को देखकर तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मतलब सेंस ही नहीं है। सबको पता होगा कि नमजून का रूमर जो फैला था कि वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं। सही सुना, नमजून के ऊपर रूमर बने थे पहले, वैसे अभी भी ये रूमर चलते रहते हैं कि वो मैरिड है और उसके बच्चे हैं। अगर जैसे तुम लोग को याद होगा, जैसे हम लोग आर्मीज कभी कभार ऐसे जोक करती नहीं रहती है कि नमजून की सीक्रेट फैमिली है, ये आर्मीज के अंदर जोक जरूर है लेकिन बाहर नहीं है,
बाहर वो लोग मतलब ऐसा कहते हैं, रूमर है बकवास सा, कि नमजून इज मैरिड विद किड्स. हाँ वही नमजून के बच्चे हैं, वही शादी हो गई है, क्या करना है. तो ये रूमर्स फैले थे ज़्यादातर मतलब इस तरीके से कि उसने एक बार रिंग पहनी थी अपनी इंगेजमेंट फिंगर में, उसने यहाँ पे रिंग पहनी थी तो उसके लिए बना दिया. ठीक है, क्या ही कहूँ इस रूमर के बारे में. तो ऐसा ये रूमर कि उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हैं. कंग्रेचुलेशंस. कोई सेंस नहीं होता है ना रूमर्स में, ऐसे ही होते हैं रूमर्स. जिमिन का रूमर देख लो. वैसे ये मतलब डालने नहीं वाली थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि जिमिन का रूमर था कि उसने पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी कराई है, पूरी बॉडी की. सबको पता है कि जिमिन मतलब बीटीएस में से एक सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज था, वो जिमिन में आया था. सबको पता है कि वो उसके खुद की मेहनत से क्या आया था. उसने खुद को मतलब भूखा रखा था, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने वो जो करा था वो खुद से करा था. वो उसका जो चेंज है, उसके जो चबी चीक्स वैसे अभी भी है, लेकिन मतलब जो ये वाला हिस्सा था, जॉ था, और थोड़ा यहाँ वगैरह जो बेबी फैट वगैरह जो उसने अपना घटाया ना, वो खुद से कराया था. लेकिन ये लोगों को फिर नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता. उन लोगों ने रूमर डाले कि जिमिन ने पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी कराई है. ये तो कुछ भी नहीं है. एक रूमर तो ये भी था कि जिमिन लड़की था पहले, और उसने मतलब क्या ये बोलूँ. ऐसे ऐसे रूमर्स भी है. कोई मैं सोचती हूँ कि बीडीएस अपने रूमर्स पढ़ते होंगे तो क्या सोचते होंगे. तो यही था आज की वीडियो में, मैं यही डिस्कस करने वाली थी कि जो सबसे अजीब से रूमर्स मुझे लगे. वैसे भी बहुत सारे हैं, पर अगर तुम लोग कहोगे तो उसको मैं पार्ट टू में डालूंगी. तो मतलब ये बीडीएस के रूमर्स थे. मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक के पॉप के ऊपर वीडियो बना लो, पूरे के पॉप के रूमर्स के ऊपर. तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर देना. वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ आजकल, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे लास्ट की वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, खासकर मम्मी वाली वीडियो में, उसी में आए हैं. किसी को मेरे पे इंटरेस्ट नहीं है, मम्मी पे है. सारे कमेंट्स लगभग मम्मी से ही भरे हुए हैं कि हाँ मम्मी, लेकिन टाइम नहीं है ज़्यादा. तो मैं मतलब कोशिश करूँगी उनको लाने की, लेकिन कम ही हो पाएगा. तब तक मेरे से ही काम चला लो. तो अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे थोड़े और रूमर्स के बारे में, या फिर किसी और चीज़ के बारे में. तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्लीज़ कमेंट कर देना. मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तुम लोग के कमेंट्स पढ़ने में. थैंक यू.